हाय डॉक्टर मुनीश. सो आज हमारा यहाँ पे थर्ड कैंप ऑर्गेनाइज किया है आरोग्य निधि क्लिनिक ने. क्या आप हमें थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं? जी, आज हमने बोन बीएमडी का एक कैंप रखा है. बीएमडी का मतलब है बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री. और ये कैंप हमने सिर्फ इसीलिए रखा है ताकि हम आपको ये बता सकें कि आयुर्वेद का आपकी बोन हेल्थ में क्या रोल है और आयुर्वेद कैसे जो है आपकी बोन को स्ट्रेंथन करने में और आपकी बोन को जो है वेयर एंड टीयर से बचाने के लिए क्या क्या कर रहा है. आयुर्वेद में हम सात धातुएं मानते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र. तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रस है, जो भी हम खाना खाते हैं, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है. उसके थ्रू हमारी सारी सातों धातु का पोषण होता है. जैसे अगर हम जो भी खाना खाते हैं उससे रस बनता है और उसी से रक्त, रक्त का मतलब है हमारी बॉडी में ब्लड बनेगा, ठीक है. उसी ब्लड के थ्रू जो है फिर हमारी जो है मसल्स डेवलपमेंट होंगी, उसी के थ्रू हमारी बोन जो है वो स्ट्रेंथन होंगी. तो इसीलिए आज हमने ये फोकस किया है कि हम दवाई ना लेके हम अपने खाने में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं जिससे हमारी जो बोन हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहेगी. जैसे अभी सर्दी का मौसम है, सर्दी में हमारे पास खाने की बहुत सारी वैरायटी रहती है जो हमें सबको खानी चाहिए और उसकी आप कुछ भी प्रिपरेशन बना के खा सकते हैं. जैसे मैं आपको सबसे पहले, ये तिल है, बहुत अच्छा कैल्शियम का सोर्स है. तिल के आप लड्डू भी बना सकते हैं अगर आप डायबिटिक नहीं है. अदरवाइज जो तिल है वो आप सिर्फ जो है किसी भी सब्जी में स्प्रिंकल करके खा सकते हैं, रोस्ट करके खा सकते हैं, इसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं. इन द सेम वे मूंगफली सबसे सस्ती चीज है जो सबके लिए अवेलेबल है, गरीब हो अमीर हो सब खा सकते हैं. मूंगफली में जो है आपके मिल्क से भी ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं, सबसे ज्यादा अमाइनो एसिड्स होते हैं. इन द सेम वे यहाँ पे हमने ये रागी का आटा रखा है. ये जो रागी है ये नेचर में सबसे ज्यादा रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है. इन द सेम वे कीवी है, कीवी में बहुत अच्छा विटामिन सी है. कीवी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है. ये आपके बाजरे का आटा है, बाजरा है, इसमें आयरन बहुत अच्छा है, कैल्शियम बहुत अच्छा है. इसमें आपके जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपको वेट लॉस में भी बहुत अच्छा हेल्प करते हैं. इन द सेम वे ये अखरोट है, अखरोट में ओमेगा 3 ओमेगा 6 का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो आपकी बॉडी में जो फैट है उसको भी नहीं बढ़ाएगा, आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा. इन द सेम वे गुड़, गुड़ एक ऐसा सोर्स है नेचर में जिसमें सबसे ज्यादा आयरन होता है और गुड़ चना तो बहुत फेमस है. अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो गुड़ चने से आपको प्रोटीन भी बहुत अच्छा मिलेगा, कैल्शियम भी बहुत अच्छा मिलेगा, आयरन भी बहुत अच्छा मिलेगा. मखाने बहुत अच्छा, इसमें कैल्शियम होता है. मखाने को आप रोस्ट करके खा सकते हैं, मखाने को भिगो के ग्रेवी करके आप इसको किसी भी पनीर की सब्जी में भी डाल सकते हैं. मखाने को आप रोस्ट करके पाउडर बना के दाल को थोड़ा और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए भी डाल सकते हैं. तो ऐसे इसकी बहुत सारी प्रिपरेशन है जो आप बना सकते हैं और आपको जो है खाना भी बहुत टेस्टफुल लगेगा. इन द सेम वे ये गोंद के लड्डू हैं. गोंद तो जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उन्होंने हमेशा प्रमोट किया है डिलीवरी के बाद, और इसमें गोंद में बहुत अच्छा कैल्शियम है. आप चाहें तो इसको भिगो के आप जो है सुबह इसका पानी भी पी सकते हैं या फिर इसको जो है घी में भून के इसके लड्डू बनाए जा सकते हैं. लड्डू में भी आप इसको आटे के साथ भी बना सकते हैं, आप इसको बेसन के साथ भी बना सकते हैं. अगर आप बेसन के साथ बनाते हैं थोड़ा और प्रोटीन इसमें बढ़ जाता है. इन द सेम वे ये अंजीर है. अंजीर जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का. इसको आप दूध में भी डाल के खा सकते हैं और या फिर इसको खाली आप पानी में भिगो के भी खा सकते हैं. अभी जैसे ये हमने रखा है, दिस इज ड्रम स्टिक, सहजन की फली. ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको सहजन की फली से ना मिल सके. बहुत अच्छा सोर्स है आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए, आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, इससे आपको न्यूट्रिशन मिलेगा. इन द सेम वे ये किशमिश है. किशमिश में आयरन बहुत अच्छा है, सोल्यूबल फाइबर बहुत अच्छे हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और प्लस क्या विटामिन सी भी बहुत अच्छा है. इन द सेम वे ब्रोकली,
ब्रोकली जो है इसमें कैल्शियम बहुत अच्छा है, आपको ये खाने में भी टेस्टी लगेगा। आप इसको सॉटे करके खा सकते हैं, आप इसको सैलेड में खा सकते हैं, ये किसी भी फॉर्म में आप खा सकते हैं। बेसिकली लिस्ट इज वेरी लॉन्ग और बहुत सारी चीजें हैं जो और भी बहुत अच्छे कैल्शियम के सोर्स हैं। ये हमने जनरल चीजें आपको बताई हैं जो ऑलमोस्ट सब घर में अवेलेबल होती हैं और सब लोगों को पता है। तो अगर हम सिर्फ ये चीजें भी अपने डे टू डे रूटीन में इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम बहुत सारी कैल्शियम डेफिशिएंसी से अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी बोन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने जॉइंट्स को हेल्दी कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी लिटिल डिस्क्रिप्शन अबाउट बोन एंड बोन हेल्थ एज पर द आयुर्वेदा। Thank you so much for enlightening us with all this knowledge about food and क्या क्या हम खा सकते हैं, क्या क्या हमारी बोन डेंसिटी के लिए अच्छा है, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है, कैल्शियम इनटेक, ऑल द मिनरल्स, एवरीथिंग। बहुत इंसाइटफुल था ये, थैंक यू सो मच। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फ्रॉम यू डॉक्टर मुनीश इज, हमारे यहाँ पे आज क्लिनिक में एक BMD टेस्ट हो रहा है, क्या आप हमें उस टेस्ट के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? क्योंकि जनरली लोगों को ब्लड प्रेशर शुगर टेस्ट के बारे में पता होता है, बट यहाँ पे हमने एक नया इनिशिएटिव दिया है जहां पे हम BMD टेस्ट भी करा रहे हैं। आरोग्य निधि में आज बोन डेंसिटी कैंप में BMD टेस्ट भी हो रहा है फ्री, तो प्लीज हमें थोड़ा उसके बारे में बताइए। जो BMD कैंप है उसमें बेसिकली हम जो बोन मिनरल डेंसिटी को देखते हैं और इसमें अगर आपका स्कोर 1 से कम आता है, सपोज जो 0 to 1 ये नॉर्मल है, एंड इसमें अगर आपका 1 से कम आता है, सपोज माइनस में जाता है, -2.5 तक जाता है, तो हम ये बोलते हैं कि थोड़ा ऑस्टियोपेनिया है, मतलब जो आपका कैल्शियम है वो फॉस्फोरस है वो थोड़ा सा कम है। बट अगर -2.5 से भी नीचे चला जाता है तो बोन जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस में चली जाती है और उसमें आपका फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और ये जो कैल्शियम है आपकी बोन का है, जो कैल्शियम है ये डिपेंड करता है कि आपका जो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, आप एक्सरसाइज कितना करते हैं, आप खाना कैसे खाते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। कभी भी एक फैक्टर से आपका कैल्शियम अफेक्ट नहीं करता है। कई बार क्या होता है, लोग सिर्फ कैल्शियम खाते हैं और उसके एसोसिएटेड सपोज फॉस्फोरस कम लेते हैं तो फिर वो बाइंडिंग बहुत अच्छी नहीं होगी, आपकी बोन की स्ट्रेंथ उतनी नहीं होगी। या फिर क्या है कि आप ये खाने में सारी चीजें बहुत अच्छे खा रहे हैं लेकिन आप जो है आपका जो है पोस्चर है वो ठीक नहीं है, आप जो फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं करते हैं तो भी आपकी जो बोन की स्ट्रेंथ है वो अफेक्ट करती है। इसलिए अगर बोन को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपके खाने के साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप फिजिकल एक्टिविटी क्या करते हैं, आप योगा में क्या करते हैं, आप जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या अगर आपको एसिडिटी ज्यादा रहती है तो हो सकता है आपके बहुत अच्छा न्यूट्रिशन लेने के बावजूद भी आपकी बॉडी में कैल्शियम कम हो। बट इन सब चीजों को भी डायग्नोस करने के लिए आपको जरूरत रहती है कि आप किसी एक्सपर्ट को दिखाएं। आप किसी को भी दिखा सकते हैं, आप किसी से भी अपनी बोन हेल्थ के बारे में पता कर सकते हैं। हमारी तो सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप सब जो है, जो मान लो सर्दियों का मौसम है, बहुत अच्छे हेल्दी फूड अवेलेबल है मार्केट में, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन इस टाइम है मार्केट में, हरी सब्जियां बहुत सारी आई हुई है, जैसे पालक है आपका, बथुआ है, पालक है, चुलाई है, ये सारी चीजें आप अपनी डाइट में थोड़ा थोड़ा इंक्लूड कीजिए और अकॉर्डिंगली अपनी बोन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कीजिए। दिस इज द मैसेज वी वांट टू गिव टू द जनरल पब्लिक। थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। आई होप हमारे जितने व्यूअर्स हैं उन्हें सबसे कुछ इनसाइट मिले और वो अपनी खुद की हेल्थ वेलनेस के लिए खुद काम कर सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।